बता दें कि पीएम मोदी आज देश के स्टूडेंट्स के साथ में बातचीत करेंगे, सवालों के जवाब देंगे। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आज परीक्षा पर चर्चा होगी। सुबह 11 बजे से यानी कि कुछ ही समय बाद छात्रों से परीक्षा पर चर्चा की जाएगी। छात्रों को तनाव से मुक्त रहने के यहां पर पीएम मोदी टिप्स देंगे। साथ ही साथ इस परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में छात्र, शिक्षक और अभिभावक सभी हिस्सा लेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि बोर्ड्स की परीक्षा जो है वो काफी ज्यादा नजदीक है। ऐसे में पीएम मोदी छात्रों से इंटरेक्ट करके उन्हें न सिर्फ तनाव से मुक्त रहने की सलाह देंगे बल्कि कैसे इस परीक्षा से निपटा जाए, क्योंकि यही वो समय होता है जब छात्रों में मानसिक अवसाद आ जाता है, परीक्षा को लेकर टेंशन बढ़ जाती है और तमाम तरीके के वो ऐसे कदम उठा लेते हैं जो कहीं ना कहीं उनके लिए बेहद हानिकारक होते हैं। ऐसे में पीएम मोदी आज परीक्षा पे चर्चा करेंगे और सुबह 11 बजे इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा जिसमें छात्र, शिक्षक और अभिभावक तीनों ही यहां पर हिस्सा लेंगे। और इतना ही नहीं, यहां पर पीएम मोदी ना सिर्फ छात्रों से बातचीत करेंगे परीक्षा पर चर्चा पर बल्कि साथ ही साथ यहां पर उनके सवालों के भी जवाब देंगे। तो सुबह 11 बजे से कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा जिसमें आज पीएम मोदी छात्रों से बातचीत करेंगे। कह सकते हैं कि बेहद खास इंटरेक्शन होगा पीएम मोदी का छात्रों से, क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं नजदीक हैं। ऐसे में वो सबसे क्रूशियल समय इस वक्त का होता है जब छात्रों पर मानसिक तनाव बेहद बुरी तरीके से गहराने लगता है, उन पर दबाव होता है और ऐसे में पीएम मोदी कहीं ना कहीं उनके तनाव को कम करने की कोशिश करेंगे, परीक्षा के लिए अच्छे टिप्स देंगे और साथ ही साथ उनके सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे पीएम मोदी द्वारा। ना सिर्फ इसमें छात्र बल्कि साथ ही साथ उनके शिक्षक और उनके अभिभावक यानी कि टीचर्स और पेरेंट्स भी इसमें शामिल होंगे। बड़ी संख्या में यहां पर आज तालकटोरा स्टेडियम में बच्चे जुटेंगे अपने अभिभावकों और शिक्षकों के साथ में, पीएम मोदी से यहां पर बातचीत होगी उनकी। हर सवाल का जवाब यहां पर पीएम द्वारा दिया जाएगा और साथ ही साथ परीक्षा को लेकर कैसे स्ट्रेस फ्री रहना है, कैसे परीक्षाओं में बिना स्ट्रेस के काम करना है, पढ़ाई करनी है, कैसे यहां पर स्ट्रेटजी बनानी है कि किसी भी तरीके का मानसिक तनाव छात्रों के दिमाग में घर न कर सके, इस पर भी बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तमाम जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल हमसे जुड़ चुके हैं। सीधे ललित का रुख करेंगे। ललित, आज परीक्षा पे चर्चा की जाएगी, जाहिर सी बात है उस समय है जब छात्रों पर सबसे ज्यादा मानसिक दबाव रहता है, कह सकते हैं कहीं ना कहीं स्ट्रेस फ्री करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर पीएम मोदी। जी बिल्कुल, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर मैं कहूँ अगर की ये नए बनने के बाद पहली बार जो है वो इंटरेक्शन करेंगे बच्चों के साथ, और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो है बच्चों के साथ पिछले 6 सालों से लगातार इंटरेक्शन करते चले आ रहे हैं, ये बच्चों के लिए भी एक बहुत बड़ा अपने आप में मैं कहूँ कि रोमांचकारी पल होता है कि जब परीक्षा जैसे विषय को लेकर उनके देश के प्रधानमंत्री उनसे रूबरू होते हैं। पिछली बार वाराणसी मुझे भी यहाँ जाने का मौका मिला था तो कई बच्चों का कहना था कि ये बहुत ही अच्छा प्रयास है और हमें लगता है कि इससे जो दबाव है हमारे वो निश्चित तौर पर काफी कम होता है। और उन्होंने जैसे प्रधानमंत्री ने पिछली बार कहा था कि जो दबाव है ये परीक्षा जो है वो परीक्षा वो वाली परीक्षा नहीं है और इस परीक्षा को लेकर जो है इतना दबाव लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी ललित, यहाँ पर जैसा कि आपने बताया कि आप पिछली बार गए थे, वहां पर छात्रों के अनुभव कैसे थे, साथ ही साथ शिक्षक और अभिभावक भी आए थे, उनके क्या कुछ अनुभव थे, क्योंकि इस बार का कहीं ना कहीं परीक्षा पे चर्चा पिछली बार पर जरूर निर्भर करेगी। जी बिल्कुल, देखिए परीक्षा पर चर्चा एक तरह का काउंसलिंग कार्यक्रम है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसमें सीधे देश भर के छात्रों के साथ संवाद करते हैं और देश भर के छात्रों के साथ संवाद करते हुए वो लगातार जो है वो नागालैंड के बच्चों से भी बात करते हैं, वो मिजोरम के बच्चों से भी बात करते हैं, वो दक्षिण भारत के राज्यों के बच्चों से भी बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर अपने आप में
ये एक पूरे देश भर के बच्चों के साथ उनके संवाद का कार्यक्रम है और जिसके जरिए जो है बच्चे अपने मन की बात उनके सामने रख पाते हैं और उनसे जवाब मिल पाता है। तो कई बार पिछली बार कई बच्चे जो है संतुष्ट थे, अभिभावक संतुष्ट थे। उनका कहना था कि वास्तव में हमें इतना दबाव तो नहीं डालना चाहिए अपने बच्चों पर, जब एक देश का, हमारे देश के प्रधानमंत्री जब ये कह रहे हैं, देश के सबसे बड़े नेता ये कह रहे हैं और देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए सबसे बड़े व्यक्ति ये बात कह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये सभी के लिए एक प्रेरणादायक और एक मोटिवेशनल बात तो होती ही है। जी बिल्कुल ललित, तो और बेहद खूबसूरत पहल यहाँ पर प्रधानमंत्री के द्वारा। अब सभी बच्चों को अगर इंतजार है तो 11 बजने का। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी से रूबरू करवाने के लिए।